हाय, मैं विष्णु शर्मा आपको बताने जा रहा हूँ सनी लियोनी की जो बायोपिक आई है, बायोपिक वेब सीरीज आई है G5 पर, उसके सबसे बड़े झूठ के बारे में कि उस बायोपिक में सनी लियोनी को लेकर क्या सबसे बड़ा झूठ बोला गया और एक बड़े विवाद के बारे में। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी। अगर आपने अभी वो बायोपिक नहीं देखी है, वो सीरीज नहीं देखी, मैं आपको बता दूं 20 से 25 मिनट की का एक एपिसोड है, ऐसे 10 एपिसोड उसमें है, सीजन 1 है, रिलीज हुआ है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, G5 का ऐप डालना पड़ेगा अपने मोबाइल में और डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 99 रुपए का 2 महीने का है, 500 रुपए का 1 साल का है। तो मैं आपको बता दूं 10 एपिसोड में जो सीरीज रिलीज हुई है उसमें एक बड़ा झूठ जो बायोपिक में बोला गया है वो हम आपको यही उसको सबूत के साथ उसको झूठ साबित करेंगे। सनी लियोनी की सीरीज में ये बताया गया कि कैसे सनी लियोनी के घर में परेशानी हो गई थी। उनके पिताजी थे जसपाल सिंह, उस वक्त कनाडा से ट्रांसफर हुए थे, शिफ्ट हुए थे अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, और वहां पर वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, और कैसे उनकी नौकरी छूट जाती है और दूसरी नौकरी में तमाम दिक्कतें आती हैं क्योंकि उनका सिख गेटअप पसंद नहीं आता, उनकी पगड़ी पसंद नहीं आती तमाम कंपनियों को, उनका रिकॉर्ड अच्छा था। और उसमें वो सीन दिखाया गया कैसे कंपनी का बॉस कहता है कि हम आपको रख लेते अगर आप ये गेटअप चेंज कर लेते, पगड़ी हटा देते, लेकिन वो मना कर देते हैं और उसके बाद वो घर आते हैं और ऐसे में घर में दिक्कत हो जाती है पैसे की, घर में एक लड़की रखनी पड़ती है जो उन्हें $300 पर महीने देती है वो पेइंग गेस्ट के तौर पे, यानी घर की जो दिक्कतें थी उन्हें देखकर सनी लियोनी को जब ऑफर आता है प्लेबॉय मैगजीन से तो वो उसके लिए काम करना स्वीकार कर लेती है। उसके बाद एक सेमी न्यूड फिल्म मिलती है उन्हें, वो उसमें भी क्योंकि अच्छा पैसा मिलता है कर लेती है उसमें स्वीकार काम करना, और उसके बाद वो पोर्न इंडस्ट्री में धीरे धीरे उतर जाती है। तो बड़ी परेशानी बता रही थी घर की, आर्थिक समस्या इतनी थी कि सनी लियोनी को एक बड़ी वजह ये थी कि उसको पोर्न इंडस्ट्री में इस वजह से जाना पड़ा। और फिर उसी फिल्म में एक सीन आगे का दिखाया जाता है कैसे सनी लियोनी के जो फादर हैं वो अपनी पगड़ी हटा देते हैं और पगड़ी हटाकर उन्हें नौकरी मिल जाती है। तो ये वजह बताई कि कैसे उन्होंने सनी लियोनी जब जवान हो गई तब उन्होंने वो पगड़ी हटाई। लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में सनी लियोनी गोद में है अपने फादर के, बहुत छोटी है, और अब फादर के बालों पर गौर करिए, यहाँ कहीं पगड़ी नहीं है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पगड़ी केवल नौकरी की वजह से हटाई, हम यही साबित करना चाहते हैं। फिल्म को बेचने के लिए जो डायरेक्टर है उसके आदित्य दत्त, ये शायद उन्होंने इमोशनली इसको बुनाने के लिए कि लगे लोगों को या सनी लियोनी के फैंस उनको लगे कितनी मुश्किल में उन्होंने ये काम किया। तो आप देखिए बचपन के 2-3 फोटोज हम आपको दिखा रहे हैं सनी लियोनी के, और उसमें इनके फादर के पगड़ी नहीं है, यानी ये पगड़ी हटाना इनके लिए कोई परेशानी की बात उस वक्त नहीं रही होगी। हो सकता है कुछ परेशानी आई हो, लेकिन वो सीन जो वेब सीरीज में डाला गया वो गलत डाला गया, झूठ बोला गया कि उन्होंने इतने साल बाद जाके वो पगड़ी हटाई। अब आप वो तस्वीर भी देखिए जहाँ कि वो बूढ़े हो गए उसके बावजूद उनके सर पे पगड़ी है, यानी पगड़ी हटाना या लगाना उसका उनकी नौकरी से कोई लेना देना था नहीं, कम से कम ये तस्वीरें यही कहती हैं। वो तब भी पगड़ी लगाते थे जब सनी लियोनी छोटी थी, उन्होंने तब भी पगड़ी हटा दी थी, और जब सनी लियोनी बड़ी हो गई अपने इंडस्ट्री में सेट हो गई बॉलीवुड में आ गई तब भी वो पगड़ी लगाते थे। तो इस तरह की तस्वीरों से आपको पता लगेगा फिल्म को या वेब सीरीज को बायोपिक को बेचने के लिए ये आइडिया डायरेक्टर का शायद रहा हो सकता है, ये सबसे बड़ा झूठ है कम से कम भारतीय दर्शकों के लिए। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये विवाद हो सकता है कि सनी लियोनी इसमें एक रेडियो शो में आखिरी एपिसोड है उसमें यहाँ खुलासा होता है, उनकी फैमिली को पता चलता है कि वो एक रेडियो शो में बैठती हैं, कोई मशहूर रेडियो शो है उसमें जो आरजी है वो उनसे पूछता है, कहता है आप तो हिंदू हैं तो आप तो गाय की पूजा करती होंगी, तो कहते नहीं मैं मीट खाती हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सिख हूँ और मैं गाय की पूजा नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ एक इसी सीरीज में 10 एपिसोड की सीरीज में एक सीन दिखाया जाता है, रक्षाबंधन का सीन होता है। मैं आपको बता दूं कि सारे सिख तो रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, हिंदुओं जैसी परंपरा नहीं है, लेकिन एक कोई घटना थी कि जिसके चलते सिख समुदाय में बड़े पैमाने पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसी में आगे सीन दिखाया जाता है कि वहाँ वो रक्षाबंधन मनने के बाद जब वो पोर्न इंडस्ट्री में जाने का फैसला करती है तो अपने छोटे भाई से पूछती है मुझे रक्षाबंधन गिफ्ट देगा, सनी लियोनी पूछती है, तब वो क्योंकि भाई का एक सेक्स एक्ट किसी लड़की के साथ सनी लियोनी ने रंगे हाथों पकड़ लिया था इसलिए भाई तैयार हो जाता है, वो उसे रक्षाबंधन गिफ्ट की तरह कह देता है कि हाँ तुम पोर्न इंडस्ट्री में काम कर सकती हो। तो ये ऐसा गिफ्ट था रक्षाबंधन का जो ना दुनिया का कोई भाई अपनी बहन को नहीं दे सकता, उसे कह
कह नहीं सकता कि आप स्वीकार करिए कि आप जाइए बॉन्ड इंडस्ट्री में। तो ये इस फिल्म में दिखाया जा गया है, रक्षाबंधन निकट आ रहा है, ऐसे में हो सकता है कोई विवाद बने। जो सीरीज आ रही है उसको देखेंगे लोग, पहला सीजन है तो हो सकता है इसको लेके विवाद बने। तो इस तरह की तमाम दिलचस्प जानकारियां, तमाम विवाद, तमाम झूठ, तमाम कहानियां आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इनकम। थैंक यू, नमस्कार।